वे किसान घर वापसी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इतना शुभ काम हो रहा है और आप बीच में फिर ये खूंटा ठोक दो है, और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है तो फिर मेरा जो करा कराया है वो तो कोई बात रहती नहीं, और यही चलेगा। मैंने ये कहा। देखिए ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि एक साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका है, और कम से कम अगर इसका आंकलन किया जाएगा तो इस आंदोलन से देश को 1,00,000 करोड़ रुपए की हानि इस आंदोलन से हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं और अब किसानों को बड़ी खुशी से, जिस तरह से वो भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में सारी दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम अग्रणी कर रहे हैं, और इस कोविड महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान के जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन भी लड़ी, लेकिन अनाज का भी इतना उत्पादन किया कि भारत में आज तक इतना उत्पादन अनाज का नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको साधुवाद भी देना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कटारिया जी, क्या मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो बड़े रेट हैं और गैस के बड़े रेट हैं वो किसान आंदोलन की देन है? देखिए यार, मुझे इन तीन तरह की बातों का तो पता नहीं, कुछ तो कम हुए हैं, कुछ और कम हो जाएंगे। धीरे धीरे जनता को राहत देने की ओर हम बढ़ रहे हैं।